गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 10 दिसंबर है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में पिछले 4 दिनों से विभूति योग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के प्रवचनों में से ही पृष्ठ हम देख रहे हैं। आज यहाँ विभूति योग का ये मतलब पिछले 6, 7, 8, 9, 10 आज 5वां दिन है, तो फिलहाल विश्राम लेगा। फिर 16 तारीख को, 16 दिसंबर को, और फिर 24, 25, 26, 27 पांच पृष्ठ और आवेंगे आगे इसी महीने में, और साल का अंत भी है इसी महीने में। तो 10 पृष्ठ हैं विभूति योग के। तो ये जो 5वां पृष्ठ है आज, इसमें परम पूज्य महाराज श्री जो सनातन वैदिक धर्म में प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म दो प्रकार के धर्मों का उल्लेख है, तो लोगों को कहीं यह न लगे कि भाई प्रवृत्ति धर्म का जो पालन कर रहे हैं उनको जो जिस ईश्वर की प्राप्ति होगी वो कोई अलग ईश्वर है, और ये जो सन्यासी वगैरह हैं, विरक्त जो है, वैरागी हैं, त्यागी हैं, उनको जिस ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका तो बहुत ऊंचा स्थान है इसलिए उनको कोई दूसरा ईश्वर प्राप्त होगा, ऐसी कोई गलत धारणा लोगों के दिमाग में ना आवे इसलिए इसको स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वर दो नहीं होता, आज के पृष्ठ का शीर्षक है। ईश्वर जो है वो तो एक ही है, ईश्वर दो थोड़े हैं। कोई कह सकते हैं भाई भगवान राम भगवान कृष्ण दो क्यों, कई ईश्वर हैं, देवी देवता 33 करोड़ है। ईश्वर जो परमात्मा है, सच्चिदानंद घन जो तत्व है, वो तो एक ही है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। तो वो तो एक ही होता है, जैसे खांड है तो खांड के कई खिलौने बना लिए, तो अब खिलौने बहुत सारे बन गए तो इससे थोड़ी है कि भाई खांड बहुत हो गई। जिस खिलौने को बच्चे खाएंगे वो खांड ही है। स्वर्ण के बहुत सारे आभूषण बना लिए, करोड़ों आभूषण बना लिए, है तो सब स्वर्ण ही। तो तत्व को सद्गुरु भी जो है वो व्यक्ति नहीं है, तत्व है। ऐसे ही जो ईश्वर है वो भी वैदिक सनातन धर्म में तत्व है। वो तत्व की जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो अनेक हैं। जल जो है, जल को आप तरंग देखो, फैन देखो, बुदबुद देखो, कई रूपों में है ना, बर्फ है, भाप है, ये सब जल की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। बोले भाप जो है वो जल नहीं है, बर्फ जो है वो जल नहीं है, सब जल ही है। तरंग हो, फैन हो, बुदबुद हो, बर्फ हो, जल है ना, भाप हो, कुछ भी हो, सब जल का ही रूप है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, सनातन वैदिक धर्म में जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसको ब्रह्म भी कह देते हैं, तो वो तो मूल में एक ही है। और अब वो जब उत्पत्ति करेगा तो उसी का नाम ब्रह्मा हो जाएगा, जब वो पालन करेगा उसी का नाम विष्णु हो जाएगा, वही परमात्मा जब संहार करेगा उसी का नाम शंकर हो जाएगा, वही जब अवतार लेंगे तो उनका नाम राम हो जाएगा, अथवा कृष्ण हो जाएगा, अथवा नृसिंह हो जाएगा। अनेक अवतार लिए हैं, वामन अवतार आदि आप लोग सब जानते हो। तो ईश्वर दो नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना है। जो हम लोग सनातन धर्मी हैं तो ये आज का पृष्ठ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको धर्म की एक साधारण सी बात सुनाता हूँ। जो प्रवृत्ति धर्म के पालन से फल मिलता है वही निवृत्ति धर्म के पालन से भी फल मिलता है।
व्यक्ति को लगे कि हमारे सद्गुरु हैं वो तो सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थ हैं, है ना। तो गृहस्थ जो है, सद्गृहस्थ अपने प्रवृत्ति धर्म का पालन कर रहा है, तो उसको प्रवृत्ति धर्म के पालन करते करते जो फल मिलेगा, अगर उसकी चाह है कि मुझे भी ईश्वर की प्राप्ति हो, तो उसको जिस ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो जो निवृत्ति धर्म का पालन कर रहा है हमारे जैसे लोग, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई अलग ईश्वर मिलेगा। प्रथम वाक्य में ही महर्षि ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रवृत्ति धर्म के पालन से फल मिलता है, फल का अर्थ क्या है, फल हम चाहते हैं ईश्वर की प्राप्ति, तो ईश्वर की प्राप्ति रूप से जो फल मिलेगा, तो वो जो महात्माओं को मिलेगा वो तो एक नंबर का होगा, और जो प्रवृत्ति धर्म वाले उनको दो नंबर का होगा, ऐसे थोड़ी है। वो जो है फल जो मिलता है ना, वही फल प्रवृत्ति धर्म के पालन से फल मिलता है, वही निवृत्ति धर्म वाला भी कभी ये न समझें कि भाई प्रवृत्ति धर्म वालों को तो वो फल नहीं मिलेगा, मेरे को तो विशेष मिलेगा, वही फल, वही के ऊपर जोर है, निवृत्ति धर्म के पालन से भी फल मिलता है। यदि तुम्हें ये जो अगला पैराग्राफ है बहुत ध्यान से सुनना, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं और बाल बच्चे भी रहें, धन भी रहे, और हम सब अनासक्त निष्काम भाव से अपनी साधना करते हुए परमात्मा को प्राप्त करें, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, और बाल बच्चे भी हमारे रहें, यानी उनकी भी उन्नति हो, वो भी पढ़ाई अच्छी करें, धन भी हमारे पास रहे, और हम सब यानी जो इस मार्ग में लगे हैं प्रवृत्ति धर्म में, हम सब अनासक्त निष्काम भाव से अपनी साधना करते हुए परमात्मा को प्राप्त करें, यानी वो जो प्रवृत्ति धर्म है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब, वो हमारे पास जो धन है हमारे पास, क्योंकि ऐसे ऐसे भगवान के वाक्य हैं भागवत में कि भाई मैं जिस पे कृपा करता हूँ तो उसका धन में हरण कर लेता हूँ, है ना, तो बेचारा उठ घबरा जाएगा कि भाई हम क्या परमात्मा को प्राप्त करें, हमको पहले तो अपना बाल बच्चों को देखना है, है ना, तो इसके लिए धन रहना ये सब जरूरी है। तो परम पूज्य महाराज जी सिर्फ एक शर्त यहाँ लगा रहे हैं, क्या, अनासक्त निष्काम भाव से अपनी साधना करते हुए परमात्मा को प्राप्त करें। धन रहे पर वो धन किसका है, धन मेरा है ये आसक्ति है, अहमता और ममता, शरीर रहे हमारा स्वस्थ रहे पर ये शरीर किसका है, मेरा है, ये क्या है, अहमता, ये अज्ञान है, अहमता और ममता। संक्षेप में समझना हो तो हमारी गलती कहाँ है, अहमता और ममता, वो चाहे आप लोग हो गृहस्थ लोग हो चाहे सन्यासी हो, अगर वो अहमता ममता उसकी बनी हुई है तो वो अनासक्त नहीं है, वो आसक्त है। तो महर्षि शर्त क्या रख रहे हैं, हम सब अनासक्त, तो फिर अनासक्त रहने से फिर कैसे काम चलेगा, काम बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि सब ठाकुर जी का है भाई, किसी की चीज़ है और हम उस पर अपना अधिकार बतावें तो ये तो चोरी हो गया, तो वस्तु ठाकुर जी की है और हम उसमें, है ना, अपना अहमता और ममता जो कर रहे हैं, तो यही तो हमारा अज्ञान है, इसी से तो हमको दुखी रहना पड़ता है, दुख का और कोई कारण नहीं है। तो अनासक्त जब वो बंदा बना रहेगा और निष्काम भाव से अपनी साधना, साधना जो हम कर रहे हैं, तो साधना हम जब करते हैं या जो भी हमको गुरु ने बताया, पाठ है, जप है, पूजा है, जिसकी जो भी साधना है, ना मौन है, बहुत सारी साधनाएं करते हैं, तो क्या कह रहे हैं महर्षि, वो साधना जो है उसमें सकाम जोड़ देते हैं, भाई ये हम कर रहे हैं इसका फल हमको ये मिल जाए, इससे हमारा कोर्ट का केस ठीक हो जाए, इसमें हमारी, है ना, वो बीमार है वो ठीक हो जाए,
तो वो जो ये सकाम हो गया, ये साधना हमारी निष्काम नहीं हुई। तो दो शर्त है, एक तो अनाशक्त रहना है गृहस्थ को, और दूसरा निष्काम भाव से साधना करनी है। अगर ये दोनों बातें हैं तो बाल बच्चे भी बने रहेंगे, धन भी बना रहेगा, सब प्रकार का है ना सुख संपत्ति बनी रहेगी, और परमात्मा भी प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अब जितना हम साधन कर रहे हैं उसका हमने सकाम यानी इससे हमारे को ये फल मिले, तो फिर परमात्मा फल कहाँ मिलेगा? प्रथम पंक्ति में क्या है? प्रवृत्ति धर्म के पालन से जो फल मिलता है वही निवृत्ति धर्म के पालन, तो निवृत्ति धर्म वाला तो उसको तो परमात्मा ही चाहिए, तो प्रवृत्ति वाले को फिर वो कैसे फल मिलेगा जब वो सकाम करते जाएगा? तो इसलिए निष्काम भाव और अनाशक्त, अगर ये दो शब्द पकड़ लिए तो बात समझ में आ जाएगी आज के पृष्ठ की। तो शास्त्र की दृष्टि से इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र नहीं कहता कि भाई तुम क्या गृहस्थी में पड़े हो, है ना, मनुष्य जन्म मिला है। शास्त्र तो कहता है कि बहुत सही कर रहे हो। स्वामी राम सुखदास जी के एक शिष्य आए थे, लोग आते ही रहते हैं समय समय पे, तो कलकत्ता से अकेले आए थे, पत्नी तो कलकत्ता में ही थी। बताया उनके गुरुजी राम सुखदास जी थे, तो अपने गुरुजी के बारे में बताया, बहुत बढ़िया बात बताई। बोले स्वामी जी हम को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो महात्मा की पास आ रहा है इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि जुड़ा हुआ है, शुरू से ही महात्मा से जुड़ा हुआ है, बचपन से ही उनके माता पिता स्वामी राम सुखदास जी के शिष्य थे, तो वैसे संस्कार हो गए बालक में। तो उसने बताया कि हमारी बिल्कुल रुचि नहीं और माता पिता कहें कि शादी करो, अब हम बड़े परेशान। हमने बहुत मना किया बहुत मना किया, तो फिर बाद में उन्होंने एक शर्त रखी हमारे माता पिता ने कि अगर गुरुजी कह दें कि इसको शादी करने की ज़रूरत नहीं है हम मान लेंगे, तुम जाओ गुरुजी के पास। ऐसा नहीं कि गुरुजी को पहले उन्होंने सिखा दिया, गुरुजी काहे को किसी की सीख में आवेंगे। तो बोले गुरुजी के पास तुम जाते ही हो और तुम उनसे पूछ लो, अगर वे कहें कि इसकी शादी मत करो हम नहीं करेंगे। तो अब उसको तो पक्का था कि गुरुजी यहाँ क्यों कहेंगे, जब हम गुरुजी को पता है कि इस बच्चे का शुरू में ही भजन में मन लगता है, तो वो तो बड़े विश्वास के साथ गया। अब स्वामी राम सुखदास जी से अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, तो अब उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले बेटा हमारे कहने से तुम शादी कर लो। अब बेचारा जिस भाव से गया था, गुरु जी ने ऐसे कहा तो उसके ऊपर तो पानी पड़ गया, अब करे तो क्या करे। गुरु जी से ही आशा थी कि वो बचा लेंगे, और वही कह रहे कि कर लो। अब भगवान ने भी अच्छी बुद्धि दी थी उसको, तो उसने हमको बताया कि स्वामी जी हमने गुरु जी को प्रश्न किया कि आप हमको शादी करने के लिए कह रहे हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने शादी क्यों नहीं करी। प्रश्न बहुत बढ़िया था, पर गुरु जी तो गुरु ही होते हैं। क्या बढ़िया जवाब दिया है राम सुखदास जी महाराज ने। बोले बेटा हमने शादी नहीं करी इसलिए तुझको कह रहे हैं कि तुम कर लो। क्या अर्थ हुआ? यानी ये मार्ग जो है ये कोई हंसी खेल नहीं है, तुम्हारे में किंचित भी वासना है। वो गुरु को तो पता लग जाता है ना, तो शादीशुदा है, बच्चे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि शास्त्र की दृष्टि से इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ठीक है। राम भैया ने सुनाया, बोले कि एक था भजन करने वाला, सच्ची घटना है। तो बाबूजी जो उसके पितामह थे, अब तो 3 साल हो गया उनका शरीर पूरा हो गया, मेरे कमरे में उनका चित्र है, उनके पितामह का, संत थे वो। 15 साल से गृह त्याग कर दिया था, भले वो पुत्र और ये पौत्र भले रहते थे साधक के रूप में यहाँ, पर उसके पहले तो हरिद्वार वगैरह चले गए थे घर छोड़ के। फिर यहाँ वृंदावन में ये लोग आ गए, तो उससे कोई मतलब नहीं था पुत्र है कि पौत्र है ना, उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि पूरा आश्रम जो है उनके शिष्य संभालते हैं। तो बाबूजी को वो एक व्यक्ति ऐसी
जिसका अभी मैंने वर्णन किया, इसी से मिलता जुलता एक व्यक्ति बेचारे को थोड़ी सी थी कि करें कि ना करें, करें कि ना करें, पर उसकी रुचि थी साधन भजन में। तो बाबूजी ने कहा कि कोई शादी करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब कुछ कुछ भी थोड़ा सा भी अंदर रहता है हृदय में तो व्यक्ति का समाधान नहीं होता है। तो बाबूजी ने कह दिया, बाबूजी को मानता भी था वो, पर एक सनातन देव करके महात्मा हमने दर्शन किए उनके, तो उसका उनसे भी संबंध था महात्मा जी से, तो लगे हाथ उनसे भी बात कर ली। बाबूजी का तो उत्तर मिल गया, परंतु मन में संतोष नहीं हुआ, तो उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है और हमारी शादी करने का हमारा मन नहीं है, आप हमको बताइए करें कि ना करें। बोले कर लो। अब वो बाबूजी की बात उसने नहीं रखी, क्योंकि महात्मा है तो महात्मा की बात मानी। तो सच्ची घटना है, महात्मा की बात उसने मानी तो सही, पर जिससे शादी हुई अब बड़ा परेशान, न तो भजन करने दे, न वो साधन करने दे, और है ना, उसका बेचारे का जो था कि चलो शादी करके भी हम अपना भजन करते रहेंगे, बात बनी नहीं। अब बड़ा दुखी, बाबूजी के पास भी बीच बीच में आता था, तो बाबूजी ने तो पहले ही कहा था मत करो, तो अब दुखी होके अब क्या करे। तो बाबूजी ने सोचा कि सनातन देव जी से बाबूजी का था संबंध, बाबूजी ने सोचा कि उनको पूछेंगे कि भाई उसके बेचारे को क्यों फंसाया, ये तो भजन करना चाह रहा था। तो सनातन देव जी से जब बाबूजी मिले तो पूछा कि आपने ऐसा उसको क्यों कहा, तो बड़ा दुखी है। बोले कि जब वो पूछ रहा है कि हम करें कि ना करें, इसका मतलब कर लो। अब जो इसको वैराग्य होगा, ये वैराग्य जो है ये इसको सचमुच में ठाकुर जी की ओर आगे बढ़ा देगा। जब तक मन में किंचित भी वासना है ना, हमारे राम प्रसाद तैयार है ना, तो सच्ची अच्छी बात है। महर्षि क्या कह रहे, शास्त्र की दृष्टि से इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ठीक है। कोई महात्मा कहे कि अरे क्या है, तुम गोपालगढ़ में रहते हो, सत्संग करते हो, क्या शादी के में लगा रखा है। नहीं, अभी मैंने दो घटनाएं सुनाई, दोनों में वो जो कलकत्ता वाला आया उसने भी बताया कि क्यों गुरुजी ने कहा कि शादी कर लो। जब हमने पूछा गुरुजी को कि आपने क्यों नहीं की, कितना बढ़िया जवाब दिया गुरुजी ने, हमने नहीं की इसलिए तुमको कह रहे हैं कि तुम कर लो, यानी हमको इसका अनुभव है कि ये कितना कठिन मार्ग है, निवृत्ति मार्ग कठिन है। पूर्व की साधना होती है इसलिए, और गुरुओं की कृपा होती है इसलिए व्यक्ति आगे बढ़ जाता है ना, ठाकुर जी की कृपा होती है। बाकी तो आप देख रहे हो, जेल में पड़े हैं लोग, है ना। तो गृहस्थ को भी वही ईश्वर मिलता है जो सन्यासी को मिलता है, क्योंकि ईश्वर दो नहीं होते। तो महर्षि की तो मुख्य बात आज यही बतानी है कि जो ईश्वर है वो तो एक ही है, तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम जब गृहस्थ हैं तो हमको वो ईश्वर थोड़ी मिलेगा जो महात्माओं को मिलता है। तो फिर ये प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, ये दो धर्म क्यों बना दिए, जब ईश्वर एक ही है तो दो धर्म क्यों हैं। महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं। अब इसके संबंध में एक रहस्य और है, वह यह है कि कोई पूछे कि तब धर्म को दो प्रकार का क्यों बताया, एक प्रवृत्ति धर्म दूसरा निवृत्ति धर्म। समाधान, वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है कि आप पहले श्रद्धा करके और आगे बढ़ो, उसके बाद कोई भी प्रश्न आपके चित्त में है उसका समाधान महात्मा लोग करेंगे। हमारे शास्त्रों में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान नहीं है। क्या समाधान दे रहे हैं, धर्म दो प्रकार के इसलिए बताए जाते हैं कि किसी किसी के अंतःकरण में सहज वैराग्य होता है ना, जन्मजात कोई रुचि नहीं है। बोले थोड़ा पिक्चर देख लो, काहे का पिक्चर नहीं देखना है अपना, बस वो लगा है पूजा पाठ में बचपन से ही, जन्मजात उद्धव जी के लिए आया है, खेलते रहते थे ठाकुर जी के है ना विग्रह से,
ठाकुर जी के साथ थोड़ा जो बनाया लड्डू गोपाल या जो भी, माँ बुला रही है बेटा नाश्ता कर लो। उनकी पूजा पूरी हो तब, बालक यानी बड़ा हो तब तो चलो पूजा का नियम है, पूजा पूरी करके मैं आऊँगा, बालक और वो नहीं छोड़े, जन्मजात वैराग्य। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि किसी किसी के अंतःकरण में सहज वैराग्य होता है और किसी किसी के अंतःकरण में सहज राग होता है। तो राग का अर्थ क्या है कि ये जो संसार के विषय हैं और अपने कुटुंबी जन हैं और अपना शरीर है ना, उससे सहज राग है। उससे ऐसा नहीं है कि खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, है ना, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, है ना। अरे भाई खिचड़ी हो या कुछ भी हो सब में आनंद है, पर नहीं, वो राग जो है रोटी ही मिलनी चाहिए, खिचड़ी मिलेगी तो हम सर जी हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, कात्यायनी में जाओ अपने हाथ से बनाओ खाओ, है ना। तो कह रहे हैं कि धर्म दो प्रकार का इसलिए बताए जाते हैं कि किसी किसी के अंतःकरण में सहज वैराग्य होता है और किसी किसी के अंतःकरण में सहज राग होता है। अतएव यह दो फल के लिए दो धर्म नहीं है, फल तो ईश्वर एक ही मिलेगा, तो फिर यह दो अधिकारी के लिए, यानी एक रागवान है दूसरा वैराग्यवान है, तो रागवान के लिए प्रवृत्ति धर्म और वैराग्यवान के लिए निवृत्ति धर्म। तो दो अधिकारी के लिए दो धर्म है, क्योंकि फल में तो भेद ही नहीं है, शुरू की पंक्ति में ही कह दिया कि वही फल मिलेगा, है ना, वही ईश्वर मिलेगा। अब एक दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न क्या है, हमने सुन रखा है क्या, बोले भाई इसमें वैराग्य श्रेष्ठ है और राग कनिष्ठ है। समाज में ये वैराग्यों का, त्यागी वैरागी महात्माओं को हम लोग है ना प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वैराग्य श्रेष्ठ है और राग राग वाले की कहाँ पूजा होती है, वो तो बेचारा है ना लगता है कि हमारे से तो ये बहुत बड़े हैं। महर्षि कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल नहीं है, अंतःकरण में जो राग और वैराग्य आता है वह तो भिन्न भिन्न अंतःकरणों का स्वभाव होता है। अरे भाई मिर्ची लगाओ तो अब ये थोड़ी है कि उसमें आम की जैसी मिठास आ जाएगी, मिर्ची बीज जैसा है वैसा ही, तो अंतःकरण का जो स्वभाव है जन्मजात है ना, तो वो अब एक ही माँ, उसी के रावण, उसी के कुंभकर्ण, उसी के विभीषण, तो विभीषण जो है तो वो एक ही माँ के पेट में है ना, कोई बहुत पहलवानी करी है जिसने पूर्व जन्म में, वो भी उसके पेट में आ गया, और एक और बच्चा आ गया जिसने बहुत पढ़ाई करी है ना, अब वो माँ परेशान क्योंकि पढ़ाई वाला बच्चा तो एक नंबर है ना, फर्स्ट आवे क्लास में, और वो पहलवानी करके जो आया है वो क्रिकेट खेलता रहे, है ना, तो अब वो माँ परेशान कि इसको भी फर्स्ट आना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी है, अलग अलग, देखिए क्या कह रहे महर्षि, भिन्न भिन्न अंतःकरणों का स्वभाव होता है ना, इस बात को समझना चाहिए भाई, चलो इसमें ये है ना हुनर है तो ये सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, है ना, इसको इसमें बढ़ाओ आगे। हमारे पास आए थे एक, बोले कि उस बच्चे को इतना बढ़िया आता है क्या बास्केटबॉल या जो भी, तो उसको क्या करें, पढ़ाई करवाएं या क्या करें, हमने कहा दोनों करो, है ना, पढ़ाई भी ज़रूरी है और उसमें उसको उत्साह दो, उसको रोको मत, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वो खेले। तो कहने का मतलब भिन्न भिन्न अंतकरण बचपन से ही पता लगता है कि अरे इसको चेस शतरंज में इतना दिमाग है ना, छोटा बच्चा अब देखो कितना आगे बढ़ के रशिया जा रहा है और उधर ना भारत का नाम कमा रहा है। तो ये भिन्न भिन्न अंतकरणों का स्वभाव होता है, किसी में राग है किसी में वैराग्य है। यदि कहो कि शास्त्र में निवृत्ति धर्म की महिमा का वर्णन मिलता है, भाई आप है ना ऐसे ही लिपापोती कर रहे हो, निवृत्ति धर्म की महिमा तो शास्त्र में भी बताई गई है। अगर कोई ऐसा कहे और संन्यास वैराग्य आदि सबसे श्रेष्ठ मान्य है, आप प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म का फल एक ही है ये कैसे सिद्ध कर रहे हैं,
भाई निवृत्ति धर्म तो आगे ही माना जाएगा, तो सुनो इसका भी समाधान कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें बात यह है कि इस महिमा का वर्णन मुख्य रूप से गृहस्थ लोग ही करते हैं। अरे भाई शास्त्र में भी गृहस्थ लोगों के भी तो वचन हैं, जो सद्गृहस्थ हैं वो जिन्होंने महात्माओं को उनकी पूजा की है, उनकी सेवा की है ना, तो गृहस्थ लोग जानते हैं कि महात्मा की क्या महिमा है, तो वही वर्णन उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने ऐसा वर्णन क्यों किया, क्योंकि जब वे देखते हैं, ध्यान से सुनना, वो जो गृहस्थ जब देखता है कि हम तो बिना बाल बच्चे स्त्री धन के नहीं रह सकते, और कोई रह रहा है ना, तो उनके हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। हमारे आप गए थे क्या रमणानंद जी को लाने स्टेशन? हाँ नहीं, कमल गया था तो छोड़ने गए थे, छोड़ने कन्हैया गया था। रमणानंद जी दो बैग लेके चलते हैं बस, उनकी पूरी हाँ आप लेने गए थे मुझे याद है कमल के साथ। तो आप देखें क्या कह रहे हैं महाराज जी, कह रहे हैं कि जब वे देखते हैं कौन गृहस्थ लोग कि हम बिना बाल बच्चे स्त्री धन के नहीं रह सकते, और कोई रह रहा है, तो उनके हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। अरे ये महात्मा इनके पूरा जो है सामान ये दो बैग में और इसमें अपना घूमते रहते हैं, यानी उससे ज़्यादा दोनों बैग में उठा सकूं, बाद में कोई आ गया तो उसको दे देंगे, पर नाभि के ऊपर है ना, नाभि के नीचे नहीं ऊपर उठा के। तो कहने का मतलब यह है कि जब इतना त्याग वैराग्य जब देखता है व्यक्ति, तो सोचता है कि हमको तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये महात्मा देखो बड़े आनंद में रह रहे हैं, है ना, तो वो श्रद्धा की उत्पत्ति भी होती है। और वो यही मानते हैं कि भाई शास्त्र की बात सही है कि जो वैरागी है वो तो महान है। अच्छा अब इसके एक प्लस पॉइंट भी है, पहले तुम्हारा सिंह ने बता दिया कि जो गृहस्थ लोग हैं वही इसकी महिमा का गान करते हैं, पर भले महिमा का गान करें वो गृहस्थों के लिए भी वो महिमा ठीक है। देखो आगे के वाक्य में क्या कह रहे हैं, एक बात इसमें यह भी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि निवृत्ति धर्म को श्रेष्ठ मानने से प्रवृत्ति धर्म वाला संसार में आसक्त नहीं होता। ऊपर कहा ना अनासक्त और निष्काम भाव से अपनी साधना करनी है। अरे तो हम तो अनासक्त हो ही नहीं पाते, क्योंकि उसी उसी का चिंतन होता है, वो चाहे हमारा बालक हो, चाहे हमारा धन हो, चाहे है ना कुटुंबी हो, तो परमात्मा का चिंतन कहाँ होता, नहीं होता है। तो इसलिए महर्षि प्लस पॉइंट बता रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि निवृत्ति धर्म को जब श्रेष्ठ मानेंगे तो प्रवृत्ति धर्म वाला संसार में आसक्त नहीं होगा, यानी उसकी आसक्ति कम होती जाएगी। दिखेगा ना कि भाई निवृत्ति धर्म वाले कैसे अनासक्त हो के और कैसे एकदम, मैंने बताया अंतिम दिन में शिव जी के मंदिर में जितने लिफाफे आए है ना, सबकी गिनती करके और बस साहिब सिंह को ले गए अनाज की मंडी में, और दुनिया भर का राशन है ना, यानी उसमें पैसा एक भी बचना नहीं चाहिए, पूरा सब खरीद लिया और आश्रमों में जाके बांटे आए। तो क्या अर्थ हुआ, यानी अब जब इस प्रकार देखेंगे कि भाई इनकी तो कोई आसक्ति नहीं, तो उसको श्रद्धा तो पहले से ही है महात्मा में, तो अब वो भी बिना मतलब कि हमको तो इतना चाहिए और उसके लिए हम इतनी बेईमानी करें और इतना झूठ बोलें, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, उसमें भी वो संस्कार आवेंगे क्योंकि उसकी श्रद्धा आ गई, और श्रद्धा होने के बाद वो भी संसार में आसक्त नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि वो किसको महत्व दे रहा है, महात्मा को। तो महात्मा को जब महत्व दे रहा है तो उसकी आसक्ति, जैसे और लोग क्या क्या नहीं करते, कितने गलत काम करते हैं है ना, नरक की सीट रिजर्व कर रहे हैं, और नरक में भी जो घोर नरक है। तो अब
ये बात बनेगी। प्रवृत्ति धर्म जब परमात्मा की ओर ले जाना है तो उसके लिए तो बहुत हमारे में देवी संपत्ति होनी चाहिए। जो आसुरी संपत्ति है, दूसरों को कष्ट देके राक्षसी प्रवृत्ति है, ये आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति वाला कभी भी इस मार्ग में जा ही नहीं सकता। उड़िया बाबा के बारे में आजकल मैं बोल रहा हूँ 9:30 से 10 यूट्यूब में भी आ रहा है। तो 9:30 से 10 में उड़िया बाबा के बारे में बोलने के लिए जो उनके संस्मरण है, उनके जो शिष्य हैं भक्तों ने है ना जो छपे हुए हैं, तो कल मैं पढ़ रहा था, बाबा कहीं गए हुए थे तो जहाँ भी जाते हैं लोग आते हैं तो कुछ प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ बातें बता रहे थे। तो एक पंडित था, नवयुवक पंडित, वो बाबा को प्रवचन के बाद प्रश्न किया। ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या था, महाराज जी मेरे को भगवान का दर्शन होगा कि नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं। नवयुवक पंडित गृहस्थ प्रश्न कर रहा है बाबा से, बाबा का प्रवचन पूरा हो चुका है परमात्मा की प्राप्ति के बारे में, तो महाराज बता दे तो है ना, उससे फिर और सरल हो जाएगा। महात्मा लोगों की दृष्टि दिव्य दृष्टि से पता लगा ही लेते हैं। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बाबा ने कहा कि तेरे को 7 जन्म में भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब वो बेचारा तिलक विलक लगाए नवयुवक पंडित, और इधर बाबा का जो उत्तर सबके बीच में है ना, बड़ा रुआसा सा हो गया। पर आगे का वाक्य बहुत गजब का था बाबा का। अरे बोले, जो परिस्त्री के साथ जो व्यवहार कर रहा है उसको भगवान की प्राप्ति कभी होगी? यानी इतने अंतर्यामी थे, उसकी जो प्राइवेट गोपनीय बात है उसका भी उनको पता लग गया। बड़ा लज्जित हुआ बेचारा। तो कहने का अर्थ क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनाशक्ति और निष्काम भाव से जो महाराज ने ऊपर शर्त लगाई है वो करेगा। देवी संपत्ति जब आवेगी, हमारे में अच्छे गुण आवेंगे, तब न जाके, ईश्वर तो एक ही है। तो इसलिए जब निवृत्ति धर्म को श्रेष्ठ समझेगा तो फिर क्या होगा कि एक तो आसक्ति नहीं होगी, यानी आसक्ति कम होती जाएगी, परमात्मा में ज़्यादा ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, महात्माओं में, संतों में, शास्त्रों में है ना, अपने पूजा पाठ में, साधन में, उसमें हमारा प्रेम होना चाहिए ना। प्रेम हुई मोबाइल और नेट में और ये है ना, एनकाउंटर हुआ और मुठभेड़ हुई और अरे हो गई ख़त्म करो उसको, नहीं डिबेट चल रही है स्वामी जी, वो डिबेट तुम सुन के क्या करोगे, उसमें तुमको कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये हवा में ही भांग गए। तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता कुछ, महात्माओं की यह हालत है। तो इसके लिए शास्त्र में, हाँ तो अब अंत में, अंतिम पैराग्राफ, समय भी हो गया है, तो वह कहता है कि अंत में भाई सबसे बढ़िया बात यही है, तो यही करना है ना, फिर धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति में ही जाना पड़ेगा। यानी प्रवृत्ति को वो जो परमात्मा मिलता है वो कैसे मिलता है, अंत में जब अनाशक्त और निष्काम भाव से करते करते वो भी निवृत्ति ही हो जाता है। बहुत बढ़िया दृष्टांत देके समझाते हैं महात्मा लोग, आप लोगों को न पता हो तो पता कर लो। जब जमुना जी चलती है जमुनोत्री से, तो जमुना जी इलाहाबाद, जो लोग प्रयाग में गए हैं तो इलाहाबाद में आके वही जमुना जी गंगा जी में मिल जाती है। गंगा जी गंगोत्री से आ रही है ना, गंगा जी का अलग रूट है, जमुना जी का अलग रूट है, पर जमुना जी प्रयाग में अपना नाम और रूप समर्पण कर देती है। अब आगे जमुना जी नहीं है प्रयाग के आगे, अब गंगा जी है। क्यों, जमुना जी मिल गई गंगा जी में। तो वो जो एक लठ या जो लकड़ी का टुकड़ा जमुना जी में बह रहा था, तो वो गंगा सागर समुद्र में कैसे पहुंचा? जमुना जी वहाँ समुद्र में नहीं ले गई गंगा सागर में, जमुना जी ने तो वहाँ प्रयाग में आई और लठ का टुकड़ा उसमें बहते 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 और फिर गंगा जी में मिल गया। अब गंगा जी में जब जमुना जी मिल गई तो लठ का टुकड़ा गंगा जी में चला गया,
अब गंगा जी उस लठ के टुकड़े को लेके गंगा सागर में पहुंच गई। तो प्रवृत्ति धर्म जो है वो प्रवृत्ति धर्म महाराज से क्या समझा रहे हैं, एक बात इसमें यह भी है कि निवृत्ति धर्म को श्रेष्ठ मानने से प्रवृत्ति धर्म वाला संसार में आसक्त नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अनासक्त तो हो जाता है, धीरे धीरे उसको निष्काम भाव से करते करते और वो निवृत्ति ही हो जाता है। अब देखिए, यानी एक सदगृहस्थ राम के पितामह वो कैसे संत हो गए, निवृत्ति धर्म हो गया प्रवृत्ति धर्म से। हमारे महाराज श्री पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी गृहस्थ थे, दो बच्चे थे, अब वो सन्यासी कैसे हो गए? तो प्रवृत्ति धर्म का पर्यवसान निवृत्ति धर्म में ही होगा। जमुना जी का पर्यवसान गंगा जी में होके वो लठ जो है वो गंगा सागर में पहुंच जाएगा। तो उसकी जो पहुंचने की विधा है वो तो यही है, इसीलिए ऊपर शर्त लगा दी कि अनासक्त और निष्काम भाव से अपनी साधना करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। धन रहे, सब कुछ रहे, बाल बच्चे रहे, ऐसा थोड़ी कि बाबू जी को है ना गृह त्याग करने के पहले बाल बच्चों को सबको मतलब सब मिटा के और फिर बाद में निकले, ऐसा थोड़ी है। सब रहे, बहुत आनंद से रहे, उनके बच्चे भी आज भी है, है ना, बाबा भी है उनका, राम भैया तो कल आए ही थे, ऐसे ही महाराष्ट्र के जो पुत्र थे अभी पिछले साल ही बाबा जी आते थे यहाँ, संन्यास भी ले लिया था सच्चिदानंद जी से, तो वो सब रहते हैं, उनका सब काम चलता है। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाते हैं। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया आज का पृष्ठ। तो अंतःकरण दो तरह के स्वभाव के होते हैं और दोनों भगवान के पास पहुंच सकें इसके लिए शास्त्र में दोनों के लिए व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है महर्षि ने समझा दी। तो अब वो जो प्रवृत्ति वाले हैं वो कौन कौन है? वानप्रस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म। तो इनका पालन करके, धर्म का पालन अभी किसी के द्वारा नहीं हो रहा है, सन्यासी के द्वारा भी नहीं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म इतना कठिन है, तब तो कलयुग आ गया ना, कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वानप्रस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, इनका पालन करके धर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है। राग प्रधान अंतःकरण वाला भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, शुद्ध कैसे होगा, जब वर्णाश्रम धर्म का हम ठीक ठीक पालन करेंगे, सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, बेईमानी झूठ कपट ये सब है ना त्याग करना है, तो तब अंतःकरण शुद्ध होगा, प्रवृत्ति प्रधान धर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंतःकरण में वैराग्य हो जाए वह संन्यास की ओर जाए। बहुत बढ़िया। तो बिना वैराग्य के कल आए थे वो सज्जन हमारे पास, कमल से फिर फोन पे उनके लिए बात कर रहे हैं। अब वो गृहस्थ है, उनकी पत्नी वहाँ बिहार में है, पर उसको वैराग्य है ना, सन्यासी बनना चाह रहा है। तो जिसके अंतःकरण में वैराग्य हो जाए वह सन्यास की ओर जाए। बिना वैराग्य के, अंतिम वाक्य बहुत ध्यान से सुनना, बिना वैराग्य के घर गृहस्थी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों महाराज? वो आरूढ़ पतित हो जाता है। कल कोई कह रहे थे कि अर्जुन अगर छोड़ भी देता, गीता जयंती थी ना परसों, तो अर्जुन अगर, अर्जुन ने कहा कि हम भीख मांग के खा लेंगे है ना, पर अर्जुन को भगवान कहते ही चलो ठीक है युद्ध नहीं हो बढ़िया बात है, तो वहाँ भी वो झगड़ा करता है ना। झगड़ा करता का मतलब क्षत्रिय का जो स्वभाव है ना, पशु पक्षियों को मारता जंगल में है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि बिना वैराग्य के घर गृहस्थी छोड़ना नहीं चाहिए, वह आरूढ़ पतित हो जाता है, क्योंकि वो जो संस्कार हैं वो तो वही है क्षत्रिय के है ना। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं तुम युद्ध लड़ो, क्योंकि माम अनुस्मर युद्ध चय, मेरा स्मरण रखो और युद्ध करो। नारायण 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 नारायण।